कास्ट कर देते थे कि थोड़े मोटे आवाज है, मतलब पूछा उत्तुक जी मोटे आवाज वाली है, उन वो हीरोइन के लिए नहीं गा सकती, ऐसा हम लोग टाइप कास्ट कर देते हैं। अभी वैसा नहीं है, अभी शिल्पा राव जो है कि काफी मोटी आवाज है पर वो हीरोइन के लिए गाती है। तो ऐसा है कि अभी काम बहुत है और सबको काम मिल रहा है, मोनोपोली खत्म हो गया है, इसलिए क्या है कि बहुत नए सिंगर्स मार्केट में आने की चांसेस ज्यादा बढ़ गए। क्योंकि हालांकि एक को 50 गाना नहीं मिलेगा, बट 50 को एक एक गाना मिल सकता है। इससे क्या हो गया है कि बढ़ गया है दायरा, और वो अच्छा भी है, क्योंकि अगर एक के हाथ में सब कुछ रह गया तो टैलेंट की तो कमी नहीं है हमारे देश में, प्लेटफॉर्म की कमी है। अगर एक ही बंदा, एक ही कोई बार 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 10-15 गाने एक ही साल में उनका हिट जा रहा है, तो फिर वो दायरा छोटा हो जाता है इमीडिएटली। आई एम वेरी हैप्पी कि इंडस्ट्री ऐसा मूव हुआ है, और ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। ये सच बताओ तो श्रेया सुमिधि तक भी मोनोपोली चला है, अभी जाके वो टूटा है कि श्रेया मतलब रोमांटिक गाने, सुनिधि मतलब आइटम नंबर्स, ये हो चुका था, वहां तक चला, अभी जाके वो दायरा टूट रहा है, और बढ़ेगा ये दायरा, और बड़ा होगा।